नमस्कार, शारदा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने 85 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। आपको बता दें कि चंद्रपुर विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी संयोगिता युधवीर सिंह जुदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने प्रत्याशी बनाए जाने पर केंद्रीय और राज्य नेतृत्व भाजपा के शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त किया है। वहीं चंद्रपुर विधानसभा की जनताओं का आशीर्वाद मिलने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे। चंद्रपुर विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। इसके लिए मैं आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, सभी न्यूज चैनल के माध्यम से, केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व और पूरे पार्टी का मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं चंद्रपुर विधानसभा की देवकुल जनता को देती हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है। और उन किसी की बदौलत जनता का जो विश्वास है मुझ पर, इसीलिए पार्टी ने भी मुझ पर विश्वास जताया है। उन सभी को मैं आप सब के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेगी। और जो भी कांग्रेस की विफलताएं हैं 5 सालों में, जो उनके घोटाले हैं, जो भी भ्रष्टाचार है, उन सबको जनता तक ले जाने का काम हम लोग करेंगे। और जिसके लिए आप सब भी पिछले, जब जो भी सच्चाई है आप सब की जनता को अपने न्यूज चैनलों के माध्यम से दिखाते आ रहे हैं, आप सबका सहयोग